ਕੀ ਸੁਣ ਭਾਗਾ ਭਰੀਏ ਨੀ ਸੁਣ ਭਾਗਾ ਭਰੀਏ ਨੀ ਹਾਏ ਸੂਟ ਹੀ ਜੱਚਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਸੁਣ ਭਾਗਾ ਭਰੀਏ ਨੀ ਹਾਏ ਸੂਟ ਹੀ ਜੱਚਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਸੁਣ ਭਾਗਾ ਭਰੀਏ ਨੀ ਹਾਏ ਸੂਟ ਹੀ ਜੱਚਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਹਾਏ गाना है जीन बाय गिप्पी ग्रेवाल, इसमें नीरू बाजवा है। मूवी रिलीज हो रही है, इसका नाम है पानी च मधानी। सॉन्ग क्रेडिट्स एक बार पढ़ लेते हैं। टाइटल ऑब्वियसली जीन, मूवी पानी च मधानी, सिंगर गिप्पी ग्रेवाल फीचरिंग अफसाना खान, लिरिक्स है हैप्पी राय कोटी, म्यूजिक जितेंद्र शाह, ओके हम्बल म्यूजिक पर ये गाना रिलीज हुआ है। डायरेक्टर है इस मूवी के विजय कुमार अरोड़ा। हाई फाई श्रेया अरोड़ा दिस साइड। करते हैं रिएक्शन स्टार्ट, देखते हैं कैसा होने वाला है। लेकिन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले, मैंने पहले भी मेंशन किया था, नहीं किया था तो अब कर रही हूँ। 15 अक्टूबर तक हमने ये टारगेट रखा था कि हम लोग 70,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, दैट्स फाइन। 26 नवंबर, दैट इज मेरे पापा का बर्थडे, तो उस दिन तक हम ट्राई कर सकते हैं कि इस चैनल के 75,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दें। 68 हो चुके हैं, 7,000 मोर सब्सक्राइबर्स एक महीने से भी ज्यादा पड़ा है। वी कैन डू इट, आई मीन कम ऑन, वी कैन डू इट। सो प्लीज चैनल को शेयर करना, वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना चैनल को। करते हैं रिएक्शन स्टार्ट एंड देखते हैं कि कैसा होने वाला है ये जीन गाना। पेश करवाने जा रहे हैं ओ पंजाब की मशहूर दगाना जोड़ी गुल्ली एंड सोनी। रुपये घट ने हाए ओ ता शाहूकार जट ने साडे कोल रुपये घट ने तू दस की जर लेगी ताने बेबे तो वज दे मैनू नी सुन भागा भरीए नी सुन भागा भरीए नी हाए सूट ही जच दे तैनू नी सुन भागा भरीए नी हाए सूट ही जच दे तैनू नी सुन भागा भरीए नी हाए सूट ही जच दे तैनू नी हाए हाए नाइस आ ਹੋਇਆ ਹਾਏ
अकल नू की होया रहे ना ख्याल लज दे तैनू नी सुन भागा भरी ए नी हाए सूट ही जच दे तैनू नी जट्टा दे परमिशन सबसे बढ़िया चीज ना जो मुझे इसमें लगी कि पहले के टाइम का एक वो दिखाया हुआ है ना जिस तरीके से गाते थे मुझे वो याद आए चमकीला जी यूज टू परफॉर्म शोज लाइक दिस जो मैं बात कर रही थी चीज की कि पहले के टाइम में जिस तरीके से किसी भी छोटी से छोटी चीज को पकड़ के गाना गा दिया जाता था मैं मेनली पंजाबी फोक गानों की बात कर रही हूँ पंजाबी लोक गीतों की बात कर रही हूँ अमृतसर के पापड़ बढ़िया है या पायल की बात हो रही है या कोके की बात हो रही है या एक एक मोमेंट है विदाई का मोमेंट भी है ना तो उसी पे पूरा गाना घूम गया है मदर डॉटर में कोई कन्वर्सेशन चल रही है बालों में तेल लगाने की बात हो रही है मतलब बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे पंजाबी फोक गीत बने हैं जो कि रिलेटेबल भी हुआ करते थे उस टाइम के लिए तो इसमें भी वैसे से ही कुछ दिखाने की कोशिश करी है जिसमें लड़की चाहती है कि वो जीन्स पहनना चाहती है पर उसका जो पति है वो ऑब्वियसली बोल रहे कि भाई तू रहने दे वो जब बोल रही है कि जब चग्गा एक वर्ड बीच में आया था चग्गा तो जो मैं डिकोड कर पाई चग्गा टॉप कोई बोले कि जब तू नीचे ब्लू जीन्स के ऊपर मुझे एक बढ़िया सा चग्गा यानी कि टॉप दिलवाएगा तो तेरा दिल भी ऐसे ठर जाएगा लाइक यू विल बी हैप्पी मुझे देखने के बाद तो आगे से बोलते कि तू मुझे रहने दे तो खुद भी निकलेगी और मुझे भी घर से निकलवाएगी मुझे नहीं ठार रहा है अपना दिल दुल ऐसे ही ठीक हूँ सो मुझे ये बहुत बहुत बढ़िया लगा एंड आई रियली लाइक नीरू बाजवा एक्टिंग हमेशा से ही उनको हम सब ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में एडमायर किया जट एंड जूलियट वो बहुत नेचुरल रहती हैं हमेशा ही गिप्पी गरेवाल इनके गाने जरूर सुने हैं एक्ट इनको मैंने कम करते हुए देखा है गाने तो ऑब्वियसली इनके अलग ही लेवल के थे हैवी एंड अब भी आएगी तो मूवी में क्या कुछ होने वाले लेट्स जस्ट सी कि क्या होगा एंड यस अमेजिंग नाइस आई लाइक द सेटअप पूरा पुराना ओल्ड टाइप दरी वरी बिछी हुई है एंड द वे नीरू बाजवा स्टेज पे चढ़ती हैं और अपनी चुन्नी सेट कर मतलब प्रॉपर बिल्कुल लग रहा था कि हाँ एकदम पुराने काइंड ऑफ वाइब ही है एंड यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स की भी बात कर लेते हैं देख रहे थे जो हारमोनियम बजा रहे हैं या जो जितने भी लोग वहाँ बैठ के परफॉर्मेंस देख रहे हैं उनका सब प्रॉपर वही कुर्ते पजामे पुराने टाइप के गिप्पी गरेवाल उनके कपड़े और स्पेशली उनका हेयर स्टाइल एकदम पुराने टाइम का नीरू बाजवा कॉस्ट्यूम्स मतलब एवरीथिंग वॉज सो सूटेबल कि जो टाइम दिखाने की कोशिश की गई है आई एम सो सॉरी आपको पीछे से डिस्टर्बेंस हो रही है कोई आवाज़ आ रही है आई रियली हैव नो कंट्रोल ऑन दिस कहीं बाहर कुछ भी बजता है यस तो कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग सारी चीज़ें एकदम सटीक थी और मूवी में तो खैर इन सब बातों का बहुत बढ़िया तरीके से ख्याल रखा जाना चाहिए एंड गाना देख के लग रहा है कि बिल्कुल रखा गया है यस दैट वॉज द रिएक्शन कैसा लगा बताना कॉमेंट्स में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल हिट द बेल आइकन वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना